हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड जय स्वामीनारायण टू ऑल ऑफ यू। माय सेल्फ मिस्टर चौधरी सर फ्रॉम कड़वा गुरुकुल एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर यूनिट 3 एक्सप्लोरिंग एडवर्टाइजिंग। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ आई वांट टू नो अबाउट एडवर्टाइजिंग। दोस्तों, आपको मालूम है एडवर्टाइजिंग वो बच्चों के दिमाग में एडवर्टाइज बहुत ही बढ़िया असर करती है। एडवर्टाइज से हमको कोई चीज़ लेने में उसमें दिलचस्पी लग जाती है। ख़ास करके छोटे बच्चों पर एडवर्टाइज बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट करता है। तो अभी जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर में एक्सप्लोरिंग एडवर्टाइजमेंट, मतलब एक्सप्लोर करना, मतलब आपको टू नो अबाउट, इसके बारे में जानना, एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजिंग के बारे में हमको जानकारी लेनी है। सो लेट मी स्टार्ट अवर चैप्टर एक्टिविटी। फर्स्ट, रीड द आर्टिकल केयरफुली, मेक एनी वर्ड यू डोंट अंडरस्टैंड, यूज अ डिक्शनरी, इंटरनेट और योर क्लासमेट्स हु मे हेल्प यू टू अंडरस्टैंड ईच वर्ड एंड आइडिया इन द स्टोरी। आपको ये आर्टिकल है जो डॉक्टर पेरिक्लास ने लिखा है, ये जो आर्टिकल है वो एडेप्टेड फ्रॉम February 11, 2013, टाइम दिया है 5:18 PM, द न्यूयॉर्क टाइम्स आर्टिकल है, न्यूयॉर्क टाइम्स में ये आर्टिकल छपा है। दोस्तों, तो हाउ एडवर्टाइजिंग टारगेट्स अवर चिल्ड्रन, एडवर्टाइजिंग अपने बच्चों को कैसे टारगेट बनाते हैं, अपने बच्चों को एडवर्टाइजिंग कैसे टारगेट बनाती है, ये इसके बारे में ये जो आर्टिकल्स दिया है न्यूज़पेपर में, और आर्टिकल लिखा है डॉक्टर पेरिक्लास ने लिखा है। सो लेट मी नो अबाउट द आर्टिकल्स। आई वुड लाइक माय चिल्ड्रन टू बी अवेयर अबाउट एडवर्टाइजिंग। तो यहाँ पे डॉक्टर खुद बोलते हैं कि मुझे मेरे बच्चों को एडवर्टाइजमेंट से अवेयर करना मैं चाहता हूँ। I would like them to grow up alert to the ways people try to sell them things. दोस्तों, यहाँ पे to grow up alert का मतलब है to be able to think quickly, मतलब जल्दी से इसके बारे में जानकारी पाने के लिए able होना, सक्षम होना। I would like them to grow up alert, मतलब मुझे तो उसको जल्दी से वो समझ पाए, ऐसा तरीका। पीपल ट्राई टू सेल देम थिंग्स, जो लोग उनसे कोई चीज़ बेचना चाहते हैं उसके बारे में उसको जल्दी से समझदारी आए, ऐसा बनाना चाहता हूँ। आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड दैट समटाइम्स पीपल हु वॉन्ट योर ट्रस्ट आर नॉट रियली योर फ्रेंड। दोस्तों, डॉक्टर बोलते हैं कि मैं सोचता हूँ कि वो चीज़ समझने के लिए बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि समटाइम्स पीपल हु वॉन्ट योर ट्रस्ट आर नॉट रियली योर फ्रेंड। कभी कभी जो लोग आपका विश्वास जीतते हैं और आपको भरोसा देते हैं, लेकिन वो कोई आपका फ्रेंड नहीं है। रिसर्चर्स हैव लॉन्ग स्टडीड द इफेक्ट्स ऑफ एड्स ऑन चिल्ड्रन। ये जो रिसर्चर है, रिसर्चर मतलब जो इन्वेंशन करने वाले संशोधक है, उन्होंने बहुत ही बड़ा स्टडी किया है उसके बारे में, और बच्चों पे ऐड की क्या इफेक्ट होती है उसके बारे में उन्होंने बहुत ही सारा स्टडी किया है। स्टडीज शो दैट एडवर्टाइजिंग फॉर थिंग्स लाइक सिगरेट्स एंड अल्कोहल डज हेल्प पुश चिल्ड्रन द यंग पीपल टुवर्ड अनहेल्दी बिहेवियर्स, बट इट ऑल्सो शो दैट इट इज मोर डिफिकल्ट टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन एज एडवर्टाइजिंग यूज द इंटरनेट एंड सोशल मीडिया। ये जो एक स्टडी बताया गया है, स्टडीज शो दैट एडवर्टाइजिंग फॉर थिंग्स लाइक सिगरेट एंड अल्कोहल,
मतलब ये जो सिगरेट और अल्कोहल की जो एडवर्टाइज बताते हैं उससे बच्चे एक अनहेल्दी और ऐसे बिहेवियर की तरफ पुशअप हो जाते हैं, बच्चे ऐसी आदतों के शौकीन हो जाते हैं। बट इट ऑल्सो सॉ दैट इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन एज एडवर्टाइज यूज द इंटरनेट एंड सोशल मीडिया। मतलब सोशल मीडिया और इंटरनेट में जो ये एडवर्टाइज होती है बच्चों को, जो बच्चे देखते हैं, उससे बच्चों को बचाना बहुत ही मुश्किल है। मोर डिफिकल्ट टू प्रोटेक्ट मतलब उसको बचाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसी जो इंटरनेट में और सोशल मीडिया में ऐसी जो अल्कोहल और ये सिगरेट की जो एडवर्टाइजिंग आती है एडवर्टाइजमेंट, उससे बच्चों को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फूड एडवर्टाइजिंग ऑल्सो रेजेस इश्यूज, और एक तो खाने की चीज़ों की भी एडवर्टाइजमेंट आती है, उसके भी इश्यू बहुत बढ़ते जाते हैं। चिल्ड्रन सी एड्स फॉर फूड ऑन टेलीविजन, वेबसाइट, सोशल मीडिया एंड मोबाइल। बच्चे कहाँ से देखते हैं? तो बच्चे देखते हैं एडवर्टाइजमेंट फूड की टेलीविजन से, वेबसाइट से और सोशल मीडिया और मोबाइल से देखते हैं। मैनी चिल्ड्रन प्ले एडवर्स गेम ऑनलाइन। कभी कभी बच्चे एडवर्स गेम मतलब ऐसी गेम देखते हैं जिसमें ऐड आती है और उसको थोड़ा ग्रेडी बना देते हैं और लालच में लोभ में वो गेम खेलते हैं, तो ऐसी एडवर्स गेम भी बच्चे ऑनलाइन खेलते हैं। दीज आर गेम्स फॉर चिल्ड्रन डेट आर क्रिएटेड बाय एडवर्टाइजर्स टू प्रमोट प्रोडक्ट्स। दोस्तों ये जो गेम्स है वो एडवर्टाइजमेंट वाले मतलब एडवर्टाइजर है वो इसलिए क्रिएटेड करते हैं, वो इसलिए बनाते हैं कि बच्चे उसमें ज़्यादा एनकरेज होके वो प्रोडक्ट की जो पॉपुलैरिटी है वो देख के वो जल्दी से वो लालच में आ जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे टू प्रमोट, प्रमोट का मतलब टू एनकरेज पॉपुलैरिटी, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए और उसको सेल करने के लिए, उसका डेवलपमेंट करने के लिए उसको बोलते हैं टू प्रमोट। एंड वॉट आर ऑल दोज ऑल दिस फूड एड सेलिंग टू चिल्ड्रन, और ऐसी जो फूड की एड है वो बच्चों को क्या करती है, क्या इफेक्ट करती है उसके ऊपर। एंड वॉट आर ऑल दिस फूड एड्स सेलिंग टू चिल्ड्रन, जो बच्चों को ऐसी सेलिंग कर रहे हैं फूड की जो एडवर्टाइजमेंट है। अकॉर्डिंग टू वन स्टडी द टॉप फोर प्रोडक्ट्स आर फास्ट फूड्स, शुगर सीरियल्स, शुगरी ड्रिंक्स एंड कैंडी। एक स्टडी के मुताबिक जो सबसे ज़्यादा टॉप फोर प्रोडक्ट जो है, सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट, सबसे ज़्यादा बिकने वाली जो टॉप फोर प्रोडक्ट है तो वो है एक फूड की, और सेकंड है शुगर सीरियल्स। शुगर सीरियल्स मतलब दोस्तों होते हैं जो शुगर वाला सीरियल्स होते हैं। सीरियल्स मतलब मालूम है आपको कि ग्रेन्स लाइक वीट, बैली और राई जैसे जो ऐसा जो ग्रेन्स है उसको बोलते हैं सीरियल्स, एंड शुगर कोटेड होते हैं उसको बोलते हैं शुगर सीरियल्स। शुगरी ड्रिंक्स होते हैं बच्चों, आपको मालूम है कोका कोला है, वो सब है शुगरी ड्रिंक्स जिसमें शुगर होती है। एंड कैंडी मतलब चॉकलेट है, वो सब है कैंडी। मतलब ये सब चीज़ों सबसे ज़्यादा ये जो प्रोडक्ट है वो टॉप फोर प्रोडक्ट है जिसका टॉप फोर में नाम है, वो सबसे ज़्यादा उसमें ऐड की इफेक्ट इसमें बच्चों पे होती है। डॉक्टर थॉमस रॉबिन्सन अ प्रोफेसर एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड डॉक्टर एट लुसाइल पैकर्ड चिल्ड्रंस हॉस्पिटल हैज़ लुक्ड इनटू चाइल्डहुड ओबेसिटी एंड इट्स लिंक्स टू स्क्रीन टाइम। डॉक्टर रॉबिन्सन है वो एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, और वो एक लुसाइल पैकर्ड चिल्ड्रन हॉस्पिटल के डॉक्टर भी है, और उन्होंने ये जो खास करके देखा है कि बच्चों में चाइल्डहुड ओबेसिटी वाला बच्चों में मोटापा हो जाता है एंड इट्स लिंक्स टू स्किन टाइम, और उसका वजह है
स्क्रीन टाइम, मतलब बच्चे बहुत ज़्यादा करके अपना जो टाइम है वो किसमें पास करते हैं, टीवी वॉचिंग में ज़्यादा टाइम पास करते हैं। स्क्रीन टाइम मतलब द टाइम दैट चाइल्ड स्पेंड्स वॉचिंग टीवी, मतलब टीवी ज़्यादा देखने में बच्चे अपना जो टाइम है वो स्पेंड करते हैं, उसको बोलते हैं स्क्रीन टाइम। तो स्क्रीन टाइम में बच्चे ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं और इसकी वजह से वो चाइल्डहुड ऑबेसिटी बढ़ जाती है, मतलब उसका मोटापा ज़्यादा बढ़ जाता है। इन द एक्सपेरिमेंट विथ प्री स्कूलर्स ही टोल्ड मी वी हैव फाउंड दैट इवन 30 सेकंड एडवर्टाइजमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट कैन चेंज अ चाइल्ड्स प्रेफरेंस फॉर ब्रांड। दोस्तों डॉक्टर का एक एक्सपेरिमेंट है कि प्री स्कूल के बच्चे होते हैं उसको अगर ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो 30 सेकंड की अगर एडवर्टाइजमेंट उसको बताने में आए तो वो अपना जो प्रेफरेंस है कोई ब्रांड का वो 30 सेकंड में अपना प्रेफरेंस भी बदल देते हैं बच्चे। इन वन स्टडी डॉक्टर रॉबिन्सन लुक्ड एट द इफेक्ट्स ऑफ ब्रांडिंग बाय गिविंग 3 to 5 years old टू पोर्शंस ऑफ आइडेंटिकल फूड्स वन सेट आउट ऑन मैकडोनल्ड्स पेपर। दोस्तों डॉक्टर रॉबिन्सन ने ये जो ब्रांड की इफेक्ट क्या होती है कोई भी ब्रांडेड चीज़ है उसकी, तो उन्होंने दो पोर्शन में एक फूड को दो पोर्शन में लिया, उसको एग्जैक्टली सेम ऐसे फूड को दो पोर्शन में लिया, एक प्लेन पेपर में लिया और एक ब्रांडेड रैपर में उसको डाला। द चिल्ड्रन वर आस्ट टू पॉइंट आउट विच फूड्स टेस्टेड बेटर एंड डॉक्टर रॉबिन्सन सेड नो मैटर व्हाट फूड वी लेड आउट ऑन द रैपर ओवरवेलमिंगली फॉर हमबर्गर्स फ्रेंच फ्राइज बेबी कैरट्स मिल्क और जूस इन अ कप किड्स वुड पॉइंट आउट वन ऑन द मैकडोनाल्ड्स रैपर एज ए टेस्टिंग बेटर। दोस्तों डॉक्टर रॉबिन्सन ने आपको बताया जैसे कि सेम टेस्ट वाला सेम चीज़ उन्होंने एक ब्रांडेड रैपर पेपर में डाला और दूसरा एक सिंपल प्लेन पेपर में डाला, तो बच्चों ने जब पॉइंट आउट किया तो उसमें बच्चों ने ऐसा बताया कि ये जो रैपर वाला है वो सबसे अच्छा टेस्टी फूड है। तो दोस्तों इसका मतलब है ब्रांड की इफेक्ट भी होती है। अप टू द एज ऑफ 7 or 8 रिसर्चर्स से चिल्ड्रन कांट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ एडवर्टाइजिंग, दे कांट आइडेंटिफाई दैट द एडवर्टाइजमेंट इज ट्राइंग टू परस्यू देम। अप टू द एज ऑफ 7 or 8 मतलब 7 से 8 साल के बच्चों, 7 से 8 साल के ऊपर के जो बच्चे हैं तो उसके बारे में ये जो रिसर्चर्स है वो ऐसा बताते हैं कि चिल्ड्रन कांट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ एडवर्टाइजमेंट का जो प्रकृति है नेचर है उसको बच्चे जानते नहीं है। दे कांट आइडेंटिफाई दैट द एडवर्टाइजमेंट इज अ ट्राइंग टू परस्यू देम, उनको ये समझ में नहीं आया कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है उसको परस्यू करता है, मतलब उसको मनाता है, उसको राजी करने के लिए करते हैं, वो सब बच्चों को मालूम पड़ता नहीं है। सो व्हाट कैन पेरेंट्स डू, सो पेरेंट्स क्या कर सकते हैं इसमें, चिल्ड्रन आर नॉट गोइंग टू कम्प्लीटली गिव अप टीवी और इंटरनेट, बच्चे तो कम्प्लीटली टीवी को वॉचिंग टीवी तो और इंटरनेट को वो गिव अप करने वाले नहीं है। विथ यंग चिल्ड्रन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी इज प्रोबेबली टू कट डाउन द ऑन स्क्रीन टाइम एंड द नंबर ऑफ मैसेजेस दैट चिल्ड्रन टेक इन एंड टू कीप अप विथ वॉट दे आर सीइंग व्हेन दे डू वॉच टीवी और द यूज ऑफ इंटरनेट। विथ यंग चिल्ड्रन मतलब जो यंग बच्चे है, यंग चिल्ड्रन है, वी मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी सबसे अच्छी जो उनके लिए जो स्ट्रैटेजी है
प्रोबेबली टू कट डाउन स्क्रीन टाइम, मतलब उनका क्या करना चाहिए, उसका जो स्क्रीन टाइम है मतलब उसको जो टीवी वॉचिंग करते हैं वो टाइम को कम करना चाहिए। एंड द नंबर ऑफ मैसेज डैट चिल्ड्रन टेक इन, और जो बच्चे जो इसके बारे में जो मैसेज लेते हैं वो भी कम करना चाहिए। एंड कीप अप विथ वॉट दे आर सीइंग वैन दे डू वॉच टी वी और यूज इंटरनेट, और ये जो बच्चे टी वी देखते हैं और इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो वो क्या देखते हैं और क्या करते हैं वो भी देखना चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू डॉक्टर रॉबिन्सन वैन अ चाइल्ड आस्क फॉर समथिंग पेरेंट्स शुड नॉट सिंपली टर्न देम डाउन, लेकिन अगर बच्चा कुछ किसी के बारे में कुछ पूछता है कोई चीज़ के बारे में तो पेरेंट्स को उसको रिफ्यूज करना नहीं चाहिए, उसकी रिक्वेस्ट को रिफ्यूज नहीं करना चाहिए। दे शुड हेल्प द चाइल्ड टू रिकॉग्नाइज दैट दे आर बीइंग परस्यूडेड, बच्चों को आपको उसको पहचानना चाहिए। दे शुड हेल्प द चाइल्ड टू रिकॉग्नाइज दैट दे आर बीइंग परस्यूडेड, बच्चों को उसको पहचानने में मदद करना चाहिए और उसको वो चीज़ जो उसको मनाने के लिए दी जा रही है उसके बारे में जानकारी देना चाहिए। डॉक्टर रॉबिन्सन सजेस्ट दैट पेरेंट्स रिस्पॉन्ड वेल व्हाई डू यू वांट दैट, डॉक्टर रॉबिन्सन को पेरेंट्स को सजेशन देते हैं, सजेस्ट करते हैं उसके रिस्पॉन्ड के लिए। व्हाई डू यू वांट दैट, आप बच्चों को पूछना चाहिए कि आपको वो क्यों चाहिए। वेयर डिड यू हियर अबाउट इट, और आपने एड के बारे में कैसे सुना, कहाँ से सुना। इफ द आंसर इज दैट द चाइल्ड सॉ इट ऑन टीवी और ऑन इंटरनेट, अगर वो बच्चा बोलते हैं कि मैंने टीवी और इंटरनेट से देखा, सो व्हाई डिड दे पुट आउट दैट मैसेज, तो ऐसे मैसेज को बाहर रखना चाहिए, उसको पुट आउट करना चाहिए। सो डू यू थिंक दे वॉन्ट यू टू बाय इट, आपको ये पूछना चाहिए कि आप मानते हो कि उसको खरीदना चाहिए। सो वाई वुड दे वॉन्ट डैट, और वो क्यों ऐसा मांग रहे हैं। टॉक योर चिल्ड्रन अबाउट वाई पीपल सेल थिंग, आपके बच्चों को ये बताओ कि लोग क्यों अपना चीज़ बेचना चाहते हैं। हेल्प योर चिल्ड्रन अंडरस्टैंड डैट सेलर्स वॉन्ट टू सेल थिंग्स बट बायर्स हैव टू डिसाइड इफ दे वॉन्ट टू बाय, देखो बच्चों को ये समझाना चाहिए कि सेलर्स है बेचने वाला, उसको तो अपना माल बेचना है, तो कुछ किसी भी तरीके से वो उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन आपको वो चीज़ खरीदनी क्यों है, आपके लिए क्यों ज़रूरी है, वो भी हमको समझना चाहिए, बाद में उसको डिसाइड करना चाहिए। इन आवर इंफॉर्मेशन रिच वर्ल्ड वी नीड टू नो द मैसेज चिल्ड्रन आर रिसीविंग एंड हेल्प देम अंडरस्टैंड व्हाट द वर्ल्ड इज ट्राइंग टू सेल देम, इतनी बड़ी रिच वर्ल्ड मतलब इतना बड़ा सारी दुनिया में हमारी जानकारी इतने सारे वर्ल्ड की पूरी होती नहीं है। सो वी नीड टू नो द मैसेज चिल्ड्रन आर रिसीविंग, हमको बच्चे क्या मैसेज रिसीव करते वो जानना चाहिए और उसको मदद करनी चाहिए, उसको समझाने में मदद करनी चाहिए। व्हाट द वर्ल्ड इज ट्राइंग टू सेल देम, कि ये दुनिया उसको क्या बेचने के लिए क्या देने के लिए समझा रही है, वो सब हमको उसको बच्चे को समझाना चाहिए। सो फ्रेंड्स हियर वी हैव कंप्लीटेड एक्टिविटी फर्स्ट एंड नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस। व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ राइटिंग दिस आर्टिकल्स, बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। व्हाट इज़ द इंटेंशन ऑफ राइटिंग दिस आर्टिकल, मतलब ये जो डॉक्टर रॉबिन्सन मतलब पेरी क्लास ने जो आर्टिकल लिखा है वो आर्टिकल का इंटेंशन क्या है। तो द इंटेंशन ऑफ राइटिंग दिस आर्टिकल इज टू मेक हिज चिल्ड्रन टू बी अवेयर ऑफ एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजिंग से उनको जागृत करना अवेयर करने के लिए ये आर्टिकल लिखा है। द राइटर वुड लाइक द चिल्ड्रन टू ग्रो अप अलर्ट टू द वे पीपल ट्राई टू सेल देम थिंग,
और बच्चों को उस तरीके से अलर्ट करना चाहते हैं कि लोग उसको किस तरह से उसको अपनी चीज़ बेचना चाहते हैं, उसके बारे में उसको जानकारी पाने के लिए, बच्चों को अलर्ट करने के लिए भी यहाँ पे ये आर्टिकल है वो लिखा है। What is the effect of advertising for things like cigarettes and alcohol? सिगरेट और अल्कोहल की जो एडवर्टाइजमेंट है उसकी इफेक्ट, एडवर्टाइजिंग की इफेक्ट क्या होती है? What is the effect of advertising for things like cigarette and alcohol? सिगरेट एंड अल्कोहल की जो एडवर्टाइजमेंट है उसकी इफेक्ट क्या होती है? एडवर्टाइजिंग फॉर थिंग्स लाइक सिगरेट्स एंड अल्कोहल helps push children and young people towards unhealthy behavior. It means के ये जो advertisement है cigarette और alcohol की, वो बच्चों को और young को एक unhealthy behavior की तरफ धकेल देता है. So friends, here we have completed activity first. We will continue our lesson in my next period. Jai Swaminarayan.